जो जीता वही सिकंदर। तो बीच में एक दिन ब्रेक डे था, हाँ तो वो ब्रेक डे की अगली शाम को जब पैकअप हुआ तो शाहरुख ने हम कुछ एक्टर्स को और कुछ टेक्नीशियंस को इनवाइट किया फॉर अ पार्टी, हिज पर्सनल पार्टी, डिनर और डांस एंड दिस एंड दैट। एंड ही रियली वॉज सच अ गुड होस्ट। हम लोग वेजिटेरियन है तो ही स्पेसिफिकली यूज टू कम टू अस कि आपको वेजिटेरियन ये वाह मंगाऊँ, आप ये खाओ वो खाओ, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। लास्ट में कि सर मैं आपके भाई के साथ डांस करूँ इफ यू डोंट माइंड, सो सी स्वीट। मेरे दोस्तों, सनी जी शो बाय रोहित कंसल्टिंग फर्म में आज बेसिकली हमारे साथ मौजूद है लेजेंड इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। आई जनरली बिलीव दैट बिकॉज नॉट जस्ट फॉर हिज रीसेंट प्रोजेक्ट बट सम ऑफ द मोस्ट कल्ट शोज, उसमें से एक सारा भाई वर्सेस सारा भाई जो है ही इज द फेस बिहाइंड दैट। इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव देवेंद सर ओवर हियर। सर, सबसे पहले बधाई हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ डंकी। आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेस। जब सबसे पहले सबको लगा कि आप उसमें हो एंड यू सॉ योरसेल्फ द फन एलिमेंट जो आपके कैरेक्टर ने ऐड किया, वो जो कॉम्प्लीमेंट्स वाले अप्रिसिएशन मैसेजेस व्हाट्सएप आने लगे, क्या रिएक्शन था? यू लाइक ओवरवेल्म्ड? यस एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड। इट वाज काइंड ऑफ अ ड्रीम टू वर्क विद राजकुमार हिरानी सर। आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, सो ऑलवेज इच्छा थी कि उनके साथ काम करने का मौका मिले। फिर अचानक आउट ऑफ द ब्लू कास्टिंग डायरेक्टर की ऑफिस से फ़ोन आया और इस बारे में बात चली, और फिर आई गॉट टू नो दैट ओके आई एम डूइंग दिस राजकुमार हिरानी फिल्म एंड विच इज़ नन अदर देन स्टारिंग शाहरुख खान, SRK। सो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, और प्लस जो किरदार नरेट किया गया वो मुझे बड़ा ही पसंद आया। भले लेंथ वाइज इतना बड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी इम्पोर्टेंस वाइज और मीट वाइज मुझे करने में सर, बड़ा लेंथ मजा का आया। क्या बात कर रहे हो, स्टार्टिंग में भी आप थे, एंड के तरफ भी उनको क्रॉस कराने में आपका योगदान है, क्या बात कर रहे हो, जी लेंथ का आई पूरा फिल्म नो, नहीं वो टीवी की आदत है ना, जहाँ मेन रोल लीड रोल करता आया हूँ तो उस तो मुकाबले पर है। ऑफकोर्स फिल्मों में वो भी इतनी बड़ी फिल्म में इस प्रकार का रोल मिलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी। और फिर फिल्म रिलीज के बाद जब वही मैसेजेस और सोशल मीडिया पर अप्रिसिएशन होने लगा तो इट्स क्वाइट लवली। एंड एस्पेशली बाकी काफ़ी फ्रेंड्स के, फैमिली के, रिलेटिव्स के, फैंस के फोन्स आए, पर एक फ़ोन आया जो मुझे लगा वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्व का था, और वो हुआ अबाउट डंकी के रिलीज़ के 6 दिन बाद। और वो फिल्म और वो फोन कॉल था खुद मिस्टर राजकुमार हिरानी जी का। तो उन्होंने फोन किया और उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की कि मेरा रोल, एक तो वैसे ही शूट में भी बहुत मेरी तारीफ करते थे, एनकरेज करते थे, और प्लस रिलीज के बाद उनका फोन आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और बहुत तारीफ की उन्होंने और कहा कि बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है आपके किरदार को, और जिस तरह से, लेकिन ना छोटी छोटी बातें उन्होंने याद कराई कि इस सीन के शूट के दौरान बहुत कम टाइम था, बट यू आर सो वेल प्रिपेयर्ड कि हम लोग पूरा कर पाए। हम लोगों ने सारों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि 2 घंटे का ही समय है, लाइट चली जाएगी, और काफ़ी लंबे लंबे मेरे डायलॉग थे, 3-4 पेज का सीन था, तो फिर भी बोले कि आप इतने प्रिपेयर्ड आए वगैरह, काफ़ी छोटी छोटी बातों को लेकर उन्होंने बहुत तारीफ की, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड ही समझ रहा। सर, सब लोग बात करते हैं अबाउट लेजेंडरी राजकुमार हिरानी सर ये, लेकिन राजकुमार सर इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस स्प्रेड करते हैं विद कॉमेडी। एंड अगर मैं कॉमेडी के कल्ट के बारे में बात करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ही हिमसेल्फ मस्ट नॉट बी अ फैन ऑफ सारा भाई वर्सेस सारा भाई। उन्होंने सारा भाई वर्सेस सारा भाई को लेकर आपके साथ क्या बात किया, ये बता जी मुझे। उन्होंने कहा कि उनको पता है कि मैं साराभाई वर्सेस साराभाई डायरेक्ट कर रहा था और सारे ही एपिसोड्स मैंने तो वो डायरेक्ट किए डायरेक्टर टू हैं। डायरेक्टर कॉन्वर्सेशन हो रहा हाँ था उस नहीं, वो ऑफ कोर्स मैंने टाइम। उनसे कहा कि हाँ तो मैं एक्टर हूँ और मैं आपका हाँ बड़ा फैन हूँ, पर उनके साथ काम करने के बाद एज ए डायरेक्टर भी मैं कुछ चीज़ें सीखा,
और बड़ा ही मजेदार रहा। और तापसी पन्नू खास करके मैं कहूँ कि वो साराभाई वर्सेस साराभाई की ह्यूज फैन, और दुष्यंत मेरे किरदार की भी फैन है, तो तापसी मेरे साथ ज्यादातर साराभाई वर्सेस साराभाई की बातें करती थी इन बिटवीन द शॉट्स। एंड शी इज मतलब वेरी नॉलेजेबल एंड एट द सेम टाइम शी इज वेरी इंक्विजिटिव फॉर ऑल द गुड रीजन. आई एम श्योर एब्सोल्युटली, आपको पूछती होगी कि सर वो टाइम पे ये क्या किया होगा, ऐसे कॉन्वर्सेशन हुए आपके साथ. हाँ बिल्कुल। एंड शी इज सच अ लवली परफॉर्मर हरसेल्फ। यस तो एंड हमारा शूट बुडापेस्ट में हुआ था, हंगेरी बुडापेस्ट में, और वहाँ पर माहौल भी बड़ा अच्छा था। एंड वी यूज टू गेट गुड फ्री टाइम ऑल्सो टू चैट इन बिटवीन। सो इट वॉज क्वाइट अ गुड जर्नी फॉर मी। क्या बात है, दैट्स गुड. सर मुझे बताओ, फॉर दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट मीटिंग विद शाहरुख खान, फर्स्ट कॉन्वर्सेशन विद शाहरुख खान, उन्होंने क्या बोला आपसे? व्हाट वाज योर टेक अवे फ्रॉम दैट फर्स्ट मीटिंग एंड फर्स्ट कॉन्वर्सेशन विद शाहरुख खान? उनके साथ मैंने काफी साल पहले, टू बी प्रिसाइज कहूँ तो 30 ईयर्स पहले मैंने काम किया था एक फिल्म में, जहाँ शाहरुख और रवीना टंडन लीड कर रहे थे, और मैं शाहरुख का दोस्त बना हुआ था। दिस वाज आफ्टर जो जीता वही उनको सिकंदर। याद था वो अच्छे से. जी हाँ, तो मुझे मिलते ही, अरे देवेन, हाउ आर यू, दिस एंड दैट, सो इतना वार्मली उन्होंने, यू नो आई वाज अ लिटिल हेजिटेंट कि पता नहीं अब इतने साल हो गए हैं, एंड ही हिमसेल्फ इज सच अ ह्यूज, इज अ सुपर स्टार इन ट्रू सेंस, एंड सच अ वार्म पर्सन, सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। सो फिर वहाँ की बातें चली कि हमें वो सीन, लाइक यू नो वहाँ पर शूट था और ये वो ऑल दैट, सो ही ये कौन रिमेम्बर्ड। से मूवी के बारे में बात करूँ सर? अच्छा वो मूवी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा किसी ओके कारणवश, अच्छा पर तो उस फिल्म की बातें चली। और प्लस तो पहले तो ऑफ कोर्स मैं उनको शाहरुख बोलता था, वो मुझे देवेन बोलते थे, लाइक यू नो। फिर सेकेंड डे हम अगेन मिले शूट के लिए, सो ही सडनली हमारा कुछ एक चर्च में सीन था, तो देवेन सर बुलाना शुरू किया। तो मैंने बोला, अरे भाई ये क्या है, अचानक क्यों देवेन सर बोले? हमारे पूरी यूनिट आपको देवेन सर बोलती है, मैं ही अकेला हूँ जो लाइक यू नो देवेन बुलाता हूँ। अरे कमोन, हम लोग ऑलमोस्ट हम उम्र हैं, 2-4 साल का हार्डली फर्क होगा। सो एंड प्लस वी हैव दिस होल इक्वेशन, यू नीड नॉट कॉल मी देवेन सर एंड ऑल। सो ही इज सच अ वार्म पर्सन, एंड ऑफ कोर्स टेरिफिक एक्टर एंड सुपर स्टार, एंड लाइक यू नो जो 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 उनके बारे में अच्छी बातें हम सुनते हैं, वो अभी भी वो वैसे ही हैं, और ऐसा लगता है कि काफी किस्से उनके सुने हैं, तो वो सचमुच में वैसे हैं। क्या बात है, हाउ स्वीट. सर आपने बात किया राजकुमार हिरानी सर के बारे में. जब आपको पहली बार यू नो व्हेन यू मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, उस टाइम पे आपका क्या कॉन्वर्सेशन था विद राजकुमार सर? एंड बिकॉज यू बीइंग अ वेटरन इन द कॉमेडी स्पेस एंड आई नो यू हैव सेड इट ऑन रिकॉर्ड एज वेल कि भले ही मुझे टाइपकास्ट किया जाए एज अ कॉमेडियन, आई डू नॉट माइंड बिकॉज आई टेक फन इन दैट. तो आपसे कुछ इनपुट सर ने मांगे थे, राजकुमार सर ने मांगे थे कि यू नो आप खुद इतने कमाल के शो लिख चुके हो कॉमेडी को लेके, तो यहाँ पे मुझे प्रीची भी नहीं बनना, कॉमेडी भी रखना है लेकिन एक अच्छा मैसेज भी देना है. डिड ही टेक इनपुट्स फ्रॉम यू? नॉट दैट वे, बिकॉज स्क्रिप्ट जो अभिजात जोशी जी ने लिखी थी वो इतनी जबरदस्त पावरफुल, और ऑफकोर्स कनिका जी एंड प्रहलाद सर हिमसेल्फ, स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल थी, और तो ऐसा एज सच ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर एट द सेम टाइम ही ऑल्सो गेव मी दिस फ्री हैंड कि अगर कुछ मुझे सूझे कुछ इम्प्रोवाइजेशन, तो डेफिनेटली वी कैन डिस्कस। एंड तो इस तरह से हम लोग फिर वर्कशॉप रखे थे, रीडिंग्स वगैरह रखी थी, तो कुछ कुछ चीज़ें उसमें इम्प्रोवाइज हुई, तो उन्होंने ज़्यादातर मेरे इम्प्रोवाइजेशंस एक्सेप्ट किए और उनको बड़ा ही मजा आया। ये इनफैक्ट नेचुरल है ना आपके जी लिए सर? जी इनफैक्ट अभी जो मैं बता रहा था, फ़ोन आया कुछ दिन पहले, तो एक पर्टिकुलर जेल के सीन के बारे में बात कर रहे थे वो, ओह तो वो यस सीन भी बड़ा पसंद आया लोगों को। मैंने कहा हाँ वो लिखा इतना अच्छा था, और वो पर्टिकुलर जो पोर्शन था फला ढिमका, तो वो आप उनको बहुत, आइडियाज दे रहे थे. अभी तो हाँ देखो पिक्चर आ गया, हम बात कर सकते हैं. तो आइडियाज दे रहे हो कि ऐसे कर सकते हो, नहीं ऐसे लक्ष्य रह सकते हो नहीं, लंदन ऐसा तो नहीं, पर एक छोटा मोटा एक आध दो लाइन यहाँ वहाँ कहीं, तो में. मैंने कहा वो लिखा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो लिखा नहीं था, वो अपने इम्प्रोवाइज किया था। एंड बट सो इट या इट वर्क सो वेल, वर्क्ड एंड इट वाज लाइक यू नो इतने बड़े डायरेक्टर का ये कहना, ये एक्सेप्ट करना एंड ये बताना कितनी बड़ी बात है। सो ऑफ कोर्स उनके साथ काम करने में इतना, वो
हमको छूट भी देते थे, पर ऑफ कोर्स एक दायरे में, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ फैंटास्टिक एडिटर, करेक्ट, तो उनको ड्यूरेशन और डिग्री की कितना इम्प्रोवाइजेशन उस सीन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में होना Correct. चाहिए नहीं Correct. होना चाहिए, उनकी इतनी सूझबूझ है उनमें. सो ये सारा काफी सीखने मिला. सेट पे जब आप लोग एक साथ टाइम बिताते हो तो सेट पे शाहरुख सर आप लोग सब एक साथ खाना वाना खाते थे, क्या रहता था माहौल सेट पे? हाँ, सेट पे हम लोग क्योंकि अलग अलग जगहों पे लाइव लोकेशन पे हम लोग शूट कर रहे थे, तो खाना आता था, तो हम एक्टर्स का खाना अलग से आता था, तो वही खाते समय हम लोग सब यहाँ वहाँ की बातें करते थे और एक दूसरे से इतने वार्मली बात करते थे कि वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन. और सक्सेस हो जाने के बाद शाहरुख सर का कुछ मैसेज या कॉल आया आपको? नहीं, अभी तो नहीं आया, अरे वो इतने बड़े हैं तो, पर ऑफ कोर्स वो जब भी मिलेंगे ही आई एम श्योर ही विल मीट मी वेरी वार्मली. एक मुझे बात याद है, शूटिंग के दौरान एक काफी दिनों तक था, तो बीच में एक दिन ब्रेक डे था, तो वो ब्रेक डे की अगली शाम को जब पैकअप हुआ तो शाहरुख ने हम कुछ एक्टर्स को और कुछ टेक्नीशियंस को इनवाइट किया फॉर अ पार्टी, हिज पर्सनल पार्टी, डिनर और डांस एंड दिस एंड दैट. सो मेरी वाइफ भी मुझे अकंपनी कर रही थी वहाँ, मेरे साथ आई थी. सो हम लोग बहुत कीन नहीं थे क्योंकि हम लोग बहुत पार्टी टाइप पर्सन नहीं हैं, पर फिर भी उन्होंने कहा प्लीज़ आप आइए वगैरह, एंड ही रियली वॉज सच अ गुड होस्ट. हम लोग वेजिटेरियन है तो ही स्पेसिफिकली यूज टू कम टू अस कि आपको वेजिटेरियन ये मंगाऊँ, आप ये खाओ वो खाओ, आपके लिए ये अच्छा रहेगा. फिर डांस की चली तो हमने कहा हम लोग डांस नहीं करना चाहते, सो वी वर लाइक सिटिंग इंसिस्टेड. फिर वो डांस के दौरान कुछ अलग अलग सॉन्ग्स बज रहे थे और डांस हो रहा था, कुछ लड़के लड़कियाँ वहाँ डांस कर रहे थे, जो हमारे बहुत ही कम लोग गए थे नज़दीकी क्लोज क्रू मेंबर्स एंड एक्टर्स, तो उसमें कुछ एक हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग ओनली पर गरबा टाइप का सॉन्ग मिला. सो देन ही केम टू माय वाइफ एंड ही आस्क्ड मी कि सर मैं आपके वाइफ के साथ डांस करूं इफ यू डोंट माइंड. सो स्वीट, बट ऑफ कोर्स देन ही डांस विद माय वाइफ एंड माय वाइफ वाज फीलिंग शाय व्हेन शी डांस. इट वाज रियली क्यूट, रियली क्यूट. आई मीन ही वाज सच अ बिग स्टार एंड बिहेविंग इन सच अ डाउन टू अर्थ मैनर. इट इज अ थिंग टू लर्न फ्रॉम. सर आपने सिर्फ डंकी में हंगामा नहीं मचाया है, इसके पहले भी कुछ टाइम पहले थोड़ा सा पहले हंसल मेहता सर का एक प्रोजेक्ट आया था स्कूप, जिसने लिटरली ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म है उसको हिला के रख दिया था. एंड आपका जो कैरेक्टर था इट वाज क्वाइट इमोशनल, इट हैड इट्स ओन लेयर्स एज वेल, एंड फॉर अ पर्सन हु इज नेचुरली ह्यूमरस एंड फनी, उसको इमोशनल कैरेक्टर निभाने के लिए आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा प्रिपरेशन चाहिए होता है. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट द ह्यूमंगस सक्सेस ऑफ स्कूप, हंसल मेहता एंड योर कैरेक्टर इन पर्टिकुलर? आई थिंक अवार्ड भी जीता है कुछ, आई थिंक उसने. हां, स्कूप सीरीज ने काफी जगह बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड जीता, हंसल सर ने काफी जगह बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता, करिश्मा तन्ना जो लीड कर रहे थे उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का वगैरह, काफी राइटिंग में भी अवार्ड मिले, तो वो सीरियल को सीरीज को काफी सराहा गया और इट वॉज नॉट ओनली कमर्शियली सक्सेस बट ऑल्सो क्रिटिकली अक्लेम्ड. और इस तरह से और हंसल का और मेरा एक पुराना नाता है, वो हमारे मेरे सारे प्लेज उन्होंने देखे हैं, सो थिएटर के दिनों से उनको मेरे टैलेंट के बारे में पता है, तो थिएटर में मैंने काफ़ी बार इमोशनल रोल्स किए हैं जो सारे प्लेज उन्होंने देखे हैं, तो इसलिए उनको पता था कि ये इमोशनल किरदार है. भले ही मेरी इमेज एज अ कॉमेडियन ज़्यादा है, उस टाइप के किरदार ज़्यादा निभाए हैं, पर क्योंकि वो मुझे इमोशनल रोल्स करते हुए देख चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये किरदार देवेन हाँ कर दे तो मज़ा आ जाए. सो ही आस्क्ड मी कि इट विल रियली गुड इफ यू से यस टू दिस कैरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी नेटफ्लिक्स और हंसल मेहता इतने बड़े डायरेक्टर, एंड इट वॉज अ नाइस रोल. सो मैंने कहा ऑफ कोर्स इट विल बी माय प्रिविलेज टू डू दिस, और इस तरह से स्कूप की जर्नी शुरू हुई थी. तो ये तो नेटफ्लिक्स का बात हो गया, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ जाते हैं ताजा खबर, उसके बारे में बताओ, वो तो और भी ज्यादा धमाकेदार था जी. उसका हाँ, तो हम लोग ने एक साथ चैट भी किया था भुवन, आप हम सब लोग. जी जी बिल्कुल. सो ताजा खबर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इस मामले में भी रहा कि एक तो ये मेरी ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत थी, उससे पहले मैं टेलीविजन और फिल्मों से फिल्म में बहुत कम कर रहा था टेलीविजन की वजह से, क्योंकि टेलीविजन बहुत टैक्सिंग होता है, ज़्यादा समय मांग लेता है, तो वेब सीरीज नहीं कर पा रहा था, पर इसीलिए मैंने टीवी से ब्रेक लिया पिछले एक दो साल से. और फिर ताज़ा खबर का ऑफर आया, तो वो भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लस भुवन बाम, जो ही इज़ लाइक
नंबर वन यूट्यूबर। मुझे, मुझे मुझे याद है वो कहानी, आई थिंक आपके भांजे या किसी ने आपको बताया था पहली बार, मुझे याद है कि अरे यार आप भुवन के साथ काम कर रहे हो, वो ज्यादा एक्साइटेड था। हाँ वही वही, क्योंकि ऑनेस्टली कहूँ तो पहले मुझे इतना नहीं पता था उस बारे उनके बारे में, पर फिर मेरी भांजी ने बताया कि भुवन बाम के ऑफिस से वो भुवन बाम लाइक नंबर वन यूट्यूबर एंड सच अ लवली दिस दैट आई एम अ ह्यूज फैन। और फिर मैंने भुवन बाम के कुछ वीडियोज वगैरह देखे, मैंने कहा हाँ नो वंडर इज सो पॉपुलर। सो इस तरह से ताज़ा खबर, और उसकी उसमें भी एक अलग ही किरदार था, एक मुस्लिम कैरेक्टर था, बेकरी में बेकरी चलाने वाला, अंडा पाव बेचने साइकिल पे घर घर जाके अंडा पाव। वेरी अनयूजुअल टू व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ देवेन भोजानी। जी जी, तो उस तरह से वो महबूब भाई का किरदार भी था, और भुवन बाम के साथ ही इज आल्सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ ह्यूज पॉपुलर पर्सन इज सो डाउन टू अर्थ, इतना वो प्यार से हक करता है। और इनफैक्ट वो मुझे वो कहते थकता नहीं है कि वो मेरे कितने बड़े फैन हैं, इतनी बार मतलब हमको कि हाँ हाँ भुवन में समझ गया तो मेरे फैन हो, बट इतना मतलब दिल से हमको पता चलता है ना कि ये आदमी दिल से। आपको बताता हूँ, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, आप खुद इतने ग्राउंडेड हो, हम्बल हो, और यू नो आई वुड से कि इतने ओपन माइंडेड तरीके से आप सबसे मिलते हो, इसलिए आपको लोग भी वैसे मिलते हैं, वैसे ही प्यार करके, आप वो चाहे वो शाहरुख सर हो या भुवन बाम हो या कोई भी हो। थैंक यू। मुझे बताओ सर, इतने सालों का एक्सपीरियंस, यू टॉक अबाउट टीवी, यू टॉक अबाउट ओटीटी मूवीज एक्सेट्रा एवरीथिंग, बट आई समवेयर डाउन द लाइन फील कि 2023 का जो साल था आपके लिए प्रोफेशनली वाज वेरी रिवॉर्डिंग ऑफ कोर्स, एंड आई एम श्योर इट्स ओनली ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फ्रॉम हियर, जो वी ऑल लाइक टू बिलीव, गिवन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन पूल दैट यू हैव प्लस द सक्सेस ऑफ 2023, इज ये दो जो फैक्टर्स है इसको कंबाइन करके आप 2024 में आगे कैसे बढ़ना चाहोगे? ऑफर्स आते रहते हैं तो, पर मैं बहुत मतलब क्या कहते हैं थोड़ा चूजी हूँ, थोड़ा की जिंदगी आराम से जिए और मजे से जिए, व्हिच इज गुड एज वेल। भागदौड़ जब भागदौड़ बहुत ज्यादा करना था वो भी कर लिया तो अभी थोड़ा जिसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो क्योंकि चॉइस इतनी सारी है तो सब तो कर नहीं पाएंगे, तो माइट एज वेल वही करो जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाली, जिसमें आपको ब्रेक पीरियड भी मिल जाता है, सो इत्मीनान से काम होता है। सो एंड फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, कुछ के शूट ख़त्म हो गए हैं पर अभी ऑन एयर आना शुरू हो जाएंगे। एक नेटफ्लिक्स के लिए एक फिल्म है जिसमें अगेन एक डिफरेंट ही काइंड का बंदा, मैं दिल्ली का दिल्ली आई एक पंजाबी रॉयल क्लब का प्रेसिडेंट प्ले कर रहा हूँ, एटीट्यूड वाला और डिफरेंट कैरेक्टर। फिर एक सोनी लिव के लिए एक वेब सीरीज अभी शूटिंग खत्म करके आया ऋषिकेश में, तो उसमें इट्स अ क्राइम थ्रिलर एंड आई एम प्लेइंग अ बियर्डेड गाय, अ साइकोटिक काइंड ऑफ अ पर्सन, अ हिटमैन, अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। तो इट इज ड्रास्टिकली डिफरेंट काइंड ऑफ, इमेजिन करने में ये आ रहा है कि देवेन सर जी रियल पर्सनालिटी के साथ। तो फिर अभी ताज़ा खबर टू सीजन टू की शूट अभी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी, जहाँ अगेन महबूब भाई आई पे देर आर अदर कपल ऑफ फिल्म, तो अभी चल रहा है। ऑफकोर्स अभी उसमें काफ़ी काम खत्म हो जाए, दूसरा एक अनुभव से ना कि ये एक एंथोलॉजी मैंने की और उसमें से वन ऑफ द शॉर्ट फिल्म जिसमें मेरा अलग ही किरदार है, एक राजस्थानी फादर का किरदार। सो वो अगेन मतलब अलग अलग वैरायटी करने का बड़ा मजा आता है, पर शूटिंग काफ़ियों की खत्म हो गई, कुछ की चल रही है, तो अभी ऑफर्स आ रहे हैं। सो लेट्स सी, मैंने अपने आप को खाली रखा कि कुछ और मजेदार और तड़ाके फड़ाकेदार कुछ आए तो वो करेंगे। और सर मुझे बताओ कि यू नो अक्सर कहा जाता है कि कल्ट शोज जो होते हैं उनको छुआ नहीं जाए तो ही बेटर है, बट अगर छुए कोई तो वो सेम इंसान छुए जिसने ओरिजिनल वाला बनाया है, तो साराभाई वर्सेस साराभाई जो इतना काफी टाइम हो गया पुराना है बट इट्स स्टिल अ कल्ट एंड अ ब्रांड, आज भी अगर आप बोलोगे मतलब आई सी यंग जनरेशन जेनजी जिसको हम लोग कहते हैं, यू टॉक अबाउट, जब वो पूछते कि क्या कल्ट कॉमेडी शो है, दे टॉक अबाउट एंड दे गो एक्चुअली टू दैट टाइम। सो मॉडर्न डे जमाने को मद्देनजर रखते हुए साराभाई वर्सेस साराभाई मॉडर्न जमाने का कुछ बनाना चाहोगे? अभी फिलहाल तो Has that idea ever crossed you, honestly बताओ सर। नहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं ही करना चाहते, पर जब तक वही कुछ ऐसा एक बत्ती ना जले कि हाँ ये जबरदस्त है, ये सारा भाई इस टाइप का सारा भाई वर्सेस सारा भाई करने में मजा आएगा, तभी वो करेंगे। अदरवाइज छोटे मोटे सोच आते रहती हैं, आइडियाज आते रहते हैं, हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, हमारे जो क्रिएटिव हैं जो राइटर हैं
आतिश का पड़ा, हु हैज रिटन ऑल द एपिसोड्स, ऑल द कैरेक्टर्स, एंड जेडी मजेठिया, रेमी लाइक ना, जेडी एंड आतिश आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ. सो क्रिएटिवली बोथ आर ब्रिलियंट, एंड उनके साथ काम करने में इतना मजा आया. प्लस आई हैड दिस फैंटास्टिक टीम ऑफ एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस. सो सब लोग हम करना तो चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम एक फियर रहता है ऑडियंस के लिए, नहीं कि ऑडियंस को शायद हम लोग फेल हो जाएं तो शायद अच्छा ना लगे तो, पर अपने आप के लिए कि एक हमने एक स्टैंडर्ड इतना बेंचमार्क सेट कर सेट दिया किया है. है तो कुछ चीजें होती है ना कि वो वैसे ही रहे तो उसका मजा है, अनलेस यू रियली कम अप विद समथिंग व्हिच कैन यू नो शेक एवरीथिंग अप. मैं कह रहा हूँ पूरे मीडिया में हल्ला मच जाएगा अगर अगर आपने अनाउंस कर दिया कि सारा भाई वर्सेस सारा वापस आ रहा है. बट देन थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. 2023 वाज इंडीड अ ग्रेट ईयर फॉर यू, एंड जैसा कि मैंने कहा पहले ही, मैनिफेस्टिंग इट राइट नाउ व्हाइल टचिंग द वुड, 2024 भी इवन बेटर फॉर यू. एंड आगे जाके जो भी आप करो सर, ऐसे ही हंसाते रहो, भले ही कोल्ड मर्डरर बन जाओ ऑन स्क्रीन, लेकिन ऐसे हंसाते रहो असली जिंदगी में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्लेजर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर appreciating my work all through, and keep loving me. Thank you so much. Guys, that's a wrap on the Sunny Ji Show by Rohit Consulting Firm. This is your host Shubhajit with the one and only Deven sir. बहुत मजा आया उनके साथ. जिन लोगों ने अभी तक डंकी नहीं देखा है फटाफट जाके जाओ देखो डंकी, मजा आ जाएगा. ये सिर्फ कह रहे हैं ऐसे कि छोटा सा रोल है, नहीं है, पूरे फिल्म में तुम उनको देखोगे, दैट इज द काइंड ऑफ फन एलिमेंट दैट इज एडिंग 100%. 2024 में भी सपोर्ट करो, आगे भी सपोर्ट करो. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू.